वेलकम टू माई चैनल मैकेनिक्स एक्सेलरेशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मोशन एंड फोर्स चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था, आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है और साथ साथ मैंने हिंट भी दिया हुआ है, जो सोल्यूशन बनता है उसका सोल्यूशन भी साथ गिवन है ताकि आपकी मैक्सिमम हेल्प हो, चीज़ों को बेहतर से अंडरस्टैंड कर सकें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है? इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफ इजिकल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर टू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज डेल्टी अप्रोक्सीमेट जीरो एंड गिवन बाय द बी इज द राइट आंसर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टी इज इक्वल टू जीरो डेल वी ओवर डेल्टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द बोथ रिटार्डेशन एंड आल्सो डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन सेंटीमीटर पर आवर, तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू बतानी है तो इसका राइट आंसर बनता है नॉन ऑफ दीज, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फाइव की बात करते हैं, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ द 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड द साउथ देन इट्स एक्सेलरेशन इज, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही, स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी के चेंज आने से ही एक्सेलरेशन होता है, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स की, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव देन द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी द, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो भी नेगेटिव बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ठीक है, ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है, पॉजिटिव में डेल वी नेगेटिव डेल, यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सेवन, इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है देन द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी द, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी द पॉजिटिव, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट, एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑलवेज एक्सेलरेट करेगा वो, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, द डायमेंशंस ऑफ द एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डेल वी ओवर डेल टी, तो उसका एक्सेलरेशन का यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो डायमेंशन इज एल टी माइनस टू, डी सी इज़ द राइट आंसर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नेक्स्ट लेके चलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़।